Assalamu alaikum. Welcome to Logical Thinkers. आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ स्टाइल शीट कि CSS में जो है कितने टाइप की स्टाइल शीट यूज़ की जाती हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट. तीन टाइप की स्टाइल शीट होती हैं, उनके नाम ये हैं इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल. अब इनलाइन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आया बॉडी के टैग के अंदर आया, मैंने यहाँ पे H1 का टैग ओपन और क्लोज किए थे. इसको मैंने बोल दिया दिस इज माय हेडिंग. अब मैं इसका स्टाइल जो है इसके इसी लाइन में दे दूंगा. फॉर एग्जांपल स्टाइल इसको मैंने दे दिया कलर, इसको मैंने जो है यहीं पे इसको स्टाइल दे दिया. ठीक है, फिर मैंने इसको लाइट किया तो ये देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया. मैंने गैप दिया अलाइन सेंटर करता हूँ. फिर मैंने इसको अपनी जो है इसको एप्लीकेशन को रन करके देखा तो मैंने क्या किया, इसको पहले मैंने कलर दिया और फिर टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, यानी कि जो भी लिखूँगा मैं वो सेंटर में शो होगा. ये क्या हुआ मेरा इनलाइन स्टाइल. अब मैं करता हूँ इंटरनल स्टाइल. इंटरनल मतलब मेरा जो HTML का पेज है उसी में हेड के टैग के अंदर जो है मैं स्टाइल का टैग यूज़ कर लूँगा. स्टाइल टैग ओपन और क्लोज. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट कैसे करूँगा इसको, ये मेरी H1 है, मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँगा H1. ठीक है, फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट. अब मैं इसको देता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ, उसमें कौन सा ये यूज कर लेता हूँ, ये वाला यूज कर लिया. ठीक है, फिर सेमी कॉलन. अब मैं इसको इस पे कलर यूज करता हूँ, मैं टेक्स्ट कलर चेंज करता हूँ इसका. कलर इक्वल्स टू मैंने इसका टेक्स्ट कलर ये रख दिया. ठीक है, किस चीज़ का, मेरी हेडिंग वन का H1. बैकग्राउंड कलर ये है और टेक्स्ट कलर ये है. फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट से. अब मैं इसको जो है रन करके देखता हूँ लाइव. मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया और इसका टेक्स्ट कलर जो है लाइट ग्रीन हो गया. ये क्या किया मैंने, ये मेरा कौन सा स्टाइल है, इंटरनल स्टाइल. इंटरनल का मतलब मेरी अपनी जो है HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही जो है मैंने एक स्टाइल का टैग ओपन किया और उसी में जो है इसको स्टाइल दे दिया. अब आते हैं एक्सटर्नल स्टाइल में, वो कैसे यूज होगा. एक्सटर्नल मतलब किसी दूसरी फाइल में जो है मैं काम करूं और उसका लिंक जो है मैं अपनी HTML के डॉक्यूमेंट में दूं. फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूं फाइल न्यू. ठीक है, और फिर यहाँ से CSS इस पूरे को मैं रिमूव कर दूंगा. अब मुझे स्टाइल जो है वो देना किस पे है, अपने H1 पे. सिंपल मैंने यहाँ पे H1 सेलेक्ट किया और फिर ओपन कर्ली ब्रैकेट. अब मुझे इसको कोई कलर देना है तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लूँगा. फिर सेमी कॉलन, मुझे इसकी पैडिंग सेट करनी है. पैडिंग फॉर एग्जाम्पल 30px सेट कर दी मैंने. ठीक है, और फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करना है, मैंने सेंटर राइट कर दिया टेक्स्ट अलाइन, जो भी लिखा हुआ आएगा वो राइट से लिखा हुआ आएगा. और फिर क्लोज. मैंने क्या क्या सेट कर दिया अपनी हेडिंग का, कलर, पैडिंग और फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट. अब इसको जो है मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे. first.css के नाम से सेव कर दी मैंने. अब जो मेरा डॉक्यूमेंट है HTML का, इसमें जो है मैं उसका लिंक दूंगा अपनी CSS की फाइल का. लिंक कैसे दूंगा, HTML के टैग के अंदर आऊंगा, लिंक रियल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, उसके बाद टाइप जो है किस टाइप की मेरी फाइल है, CSS टाइप की है, और फिर उसका रेफरेंस आ जाएगा. यहाँ पे सिंपल ब्राउज करूँगा तो
जहाँ मेरी फाइल होगी मैं जो है उसका आराम से लिंक दे दूंगा। मेरे फाइल का नाम क्या था, first.css, यही नाम था, ये आ गई, और फिर क्लोज ब्रैकेट। अब मैं इसको जो है रन करता हूँ। अब ये जो है मैंने अपनी css का यहाँ पे लिंक दे दिया। अब मैं इसको लाइव करता हूँ, तो ये देखिए, दिस इज माई हेडिंग। मेरा टेक्स्ट अलाइन क्या है, सेंटर है, पैडिंग यहाँ से 30px, इतना स्पेस छोड़ना है। कलर ये है, पैडिंग 30px और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये क्या है, मेरा एक्सटर्नल स्टाइल है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई दूसरी फाइल बनाई और फिर अपने HTML के पेज के अंदर जो है मैंने उस फाइल का लिंक दिया और फिर वो जो है मैंने उसको रन करा के देखा। तो ये है टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट। तीन टाइप की जो है स्टाइल शीट होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल।